नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन पर बैन लग गया है और सोचिए 9 साल पुराने ट्वीट को लेकर अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से ओली रॉबिन्सन पर बैन लगाया है। फिलहाल ओली रॉबिन्सन कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं खेल पाएंगे जब तक कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उन पर लगे बैन को हटाया नहीं जाता। हाल ही में इस युवा तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपने पहले ही मैच में लाजवाब प्रदर्शन किया। ओली रॉबिन्सन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट हासिल किए और बल्ले से भी पहली पारी में 42 रनों का योगदान दिया था। ओली रॉबिन्सन पर बैन लगाने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान जारी कर कहा, इंग्लैंड और ससेक्स के गेंदबाज ओली रॉबिन्सन को 2012 और 2013 में किए गए ट्वीट के लिए अनुशासनात्मक जांच के नतीजे आने तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबित किया जाता है। रॉबिन्सन तुरंत ही इंग्लैंड की टीम को छोड़कर अपनी काउंटी में वापसी करेंगे। आपको बता दें, 8 साल पहले रॉबिन्सन ने नस्लभेद टिप्पणी की थी और कई शर्मनाक ट्वीट उन्होंने किया था। तब ओली रॉबिन्सन महज 19 साल के थे। जब डेब्यू टेस्ट मैच में गेंदबाजी करने के लिए ओली रॉबिन्सन मैदान पर उतरे तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके पुरानी ट्वीट को खोज डाला और बैन लगाने की बात कहने लगे। मीडिया के लगातार दबाव की वजह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ओली रॉबिन्सन पर बैन लगाना पड़ा है। बोर्ड ने रॉबिन्सन के आचरण के खिलाफ जाँच भी शुरू कर दी है। रॉबिन्सन को भारत के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज से बाहर किया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। वैसे माफ़ी तो रॉबिन्सन ने पहले ही मांग ली थी। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद रॉबिन्सन ने अपने बयान में कहा था कि मैं उस वक्त नासमझ था, नादान था। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ना तो मैं नस्लवादी हूँ और ना ही सेक्सिस्ट। मुझे अपने किए पर पछतावा है। अगर मेरी कामों से किसी की भावना को ठेस पहुँची है तो मैं बिना शर्त के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने बिना सोचे समझे गैर जिम्मेदाराना ढंग से बर्ताव किया। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।